आप सभी को मालूम है कि जो हमारा देश और पूरा संसार एक वायरस की वजह से परेशान है और कोई भी डॉक्टरी कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है और उसके लिए सभी लोग परेशान हैं, घरों में बंद हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको भी अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिसकी वजह से जो कोरोना वायरस है इससे बचा जा सके या हम अपने को सुरक्षित रख सकें। आज मैं डॉक्टर आयुष बंसल आपके सामने एक ऐसी भी चीज पेश कर रहे हैं कि जो डॉक्टरेट है हमारी मेडिकल एलोपैथिक, उसमें डॉक्टर लोग दवाई देते हैं लेकिन कंपनी का नाम देखते हैं कि कौन सी कंपनी की दवाई है और उससे वायरस ठीक होगा या नहीं होगा या कोई भी बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी। जब वो काम नहीं करती तो दूसरी कंपनी की देते हैं। और आयुर्वेदिक में सभी लोग जितने भी हमारे आयुर्वेदिक है उसमें जो वनस्पति है उनको ढूंढते हैं कौन सी वनस्पति से कौन सा फीवर ठीक होता है, किस चीज में काम आती है, उसके लिए भी हमें जंगलों में जाना पड़ता है और वन में जाकर के देखना पड़ता है कि वो वनस्पति जो हमारे काम आने वाली है वो यहाँ पर मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन उसमें भी बहुत कम लोग ऐसे ज्ञानी पुरुष होते हैं जो आयुर्वेदिक के बारे में बहुत ज्यादा समझदारी रखते हैं और पहचान लेते हैं कि यही वनस्पति है जो काम आएगी। लेकिन उन सबसे ऊपर आज हम आपको एक स्पिरिचुअल पैथी की बात करने जा रहे हैं और स्पिरिचुअल पैथी ये बहुत पुराने युगों से जितने भी हमारे ऋषि मुनि औलिया फिरस्ते जितने भी आए थे अवतार आए थे देवी शक्ति आदि शक्ति आई है उन सब ने इसकी बात की है। और कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं, चाहे वो कुरान शरीफ हो चाहे वो गीता हो या बाइबिल हो या गुरु ग्रंथ हो या भृगु संहिता हो या श्रीमद् देवी महात्यम पुराण हो कि जिसमें ये वर्णन नहीं है। लेकिन पढ़ते उसको सभी लोग हैं लेकिन उसका आज कोई प्रूफ करने को तैयार नहीं। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि जब युग बदलता है युग में परिवर्तन आता है तो निश्चित तौर पर कोई देवी शक्ति कोई सूफी कोई औलिया कोई संत इस पृथ्वी पे जरूर आता है। आज वो देवी शक्ति जो आप फोटो देख रहे हैं सामने ये अवतार लेकर के इस धरती पर आई हो और पहले भी आई थी कितने युगों में, कभी फातिमा का रूप हुआ कभी मदर मेरी का रूप लेकर के आई कभी दुर्गा का कभी माँ पार्वती सीता का लेकर आई। आज ये पूर्ण शक्ति के साथ आई और ये मेरी भी गुरु हैं और भगवान भी हैं। इन्होंने मुझे ये प्रणाली सिखाई, इस पद्धति से मैंने अपने आप को पहले ठीक किया और इन्होंने ये सहयोग की पद्धति द्वारा पूरी दुनिया में पूरे संसार में वो सभी प्राणियों को अच्छी शिक्षा दे के और आत्म साक्षात्कार दे करके स्वयं को सदगुरु बनाया है। हर इंसान जब इस आत्मानुभूति को कर लेता है अपनी रूह को पहचान लेता है उसके हाथों पे महसूस कर लेता है तो वो आदमी साधारण इंसान नहीं होता, साधारण उसके कपड़े होते हैं लेकिन वो सदगुरु और औलिया के रूप में इस पृथ्वी पे काम करता है। ये पहला श्री माता जी का अवतार आया और शायद आपको मालूम होगा कि ये फोटो पिछले 100 साल से बाजार में नहीं बिकता क्योंकि ये फोटो जहां होता है वहां पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, इम्यूनिटी जो वहां लोग रहते हैं और जहां ये फोटो लगता है वहां बहुत ज्यादा बढ़ती है ऑटोमेटिकली अंदर से, क्योंकि जो हमारे अंदर आप ये सिस्टम देख रहे हैं इसके अंदर है सब कुछ। अब हमें बाहर जाने की कोई भी दवाई ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो हमारी ये शरीर है इसके अंदर इतनी दवाइयां हैं और इतनी स्पिरिचुअल पावर है कि अगर हम इसी को जान लें, अपने आप के अपने शरीर को पहचान लें और इस तंत्र के बारे में हम समझ जाएं कि इस तंत्र में फीवर कहां से आता है, अस्थमा क्यों होता है और गले की आज जो परेशानी आ रही है इस जो कोरोना वायरस से उस गले को भी हम ठीक रख सकते हैं और उसको कई तरह से ठीक रख सकते हैं और वो हम बताने जा रहे हैं कि जो आप चार्ट देख रहे हैं ये हमारे सिस्टम बॉडी का चार्ट है
जो सर्कल सिस्टम है, तो इसमें इस तंत्र में हमारे आप देख रहे हैं तीन नाड़ी दिखाई दे रही है। ये एक जो है ये लेफ्ट साइड की दिखाई दे रही है, इसको हम सिंपैथिक पैरा सिस्टम लेफ्ट साइड कहते हैं और इसको इड़ा नाड़ी भी बोलते हैं। और दाई तरफ की ये पीली नाड़ी है, इसको सिंपैथिक पैरा सिस्टम राइट साइड बोलते हैं। और एक बीच की है जिसको हम सेंट्रल पैरा सिस्टम बोलते हैं, और इसको उर्दू में अल लदीना बोलते हैं, इसको अल सिरत और इसको अल मुस्तकिन बोलते हैं। भाषा का फर्क है लेकिन अर्थ सबका एक ही है, चाहे वो पैगंबर साहब है, इस्लाम की बात है, चाहे वो बाइबल की बात है, गुरु नानक देव जी की बात है, वो भाषा का अंतर है सिर्फ। लेकिन अगर उसका अर्थ निकाला जाएगा पढ़ने के बाद, तो अर्थ केवल यही निकलेगा कि हमारे अंदर ही सब कुछ है, बाहर नहीं है। तो जो हमारा लेफ्ट साइड का बाएं तरफ की जो नाड़ी है, इस नाड़ी की वजह से हमको वायरस आते हैं। जितने भी वायरस आते हैं जीवन में, भविष्य में भी बहुत सारे वायरस आएंगे, ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस से ही बात खत्म हो जाएगी, इसके आगे भी चलेगी। तो आप अगर लेफ्ट साइड को इसको क्लीन कर लेते हैं, ये पृथ्वी तत्व से ठीक होगी और हम इसको मोमबत्ती से, फायर से भी ठीक कर सकते हैं। वो हम क्रिया बताएंगे कि कैसे करते हैं, और ज्यादा इमरजेंसी हो जाती है, जब बात नहीं बनती है, तो इसमें फिर हम एक जल क्रिया भी बताएंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड का जो है, इसकी वजह से वायरस आता है। जिस इंसान पे जो आप हाथ देख रहे हैं, ये पाम हमारे, इसमें ये जो हमारे अंदर शक्ति है, ये है वो पॉजिटिव एनर्जी। लोग इसको पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं, लेकिन उनको ये नहीं बता कि पॉजिटिव एनर्जी का फीलिंग क्या है, उसके लक्षण क्या है। जब पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर के अंदर शुरू हो जाती है, तो वो हमारे शरीर में क्या क्या चीज बदलती है, कैसे बदलती है, वो आज हम बताने जा रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, ये हमारे अंदर जब से आई है, तब से जब हम जन्म लिया था, और जब हमारे प्राण निकल जाते हैं, तब ये हमारे शरीर को छोड़ देती है। और इसमें पांच तत्वों से कार्य होता है, पांच तत्वों से ही ये शरीर बना है। तो पांच तत्वों का गुण जब हमारे अंदर शरीर में आ जाएगा, तो हमें किसी भी तरह की कोई भी बीमारी, परेशानी, आर्थिक मंदी, किसी भी तरह की जो भी आसुरी शक्ति है, वो हमारे शरीर पर किसी तरह का प्रभाव नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो लेफ्ट साइड का पैरा सिस्टम है, अगर हम इसको ठीक कर लेते हैं, तो आप देखिए कि आपको कोरोना वायरस 3-4 दिन के अंदर ही अपने आप कम होता चला जाएगा। और जिन लोगों को कोरोना वायरस नहीं हुआ है, उन लोगों को होगा नहीं, जब ये सिस्टम आपका चालू हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी, तो अपने आप नाड़ी आपको बताएगी। क्योंकि जब ये सिस्टम चालू होता है, तो आपके बाएं हाथ पर ठंडा महसूस होता है, और जब तक ये चालू नहीं होता, तब तक हमारे बाएं हाथ पे ठंडा नहीं आएगा। सिस्टम का मतलब है कि जब हमारी जो इड़ा नाड़ी है, जब ये पॉजिटिव एनर्जी से, ये पॉजिटिव एनर्जी इसको टच करेगी और ऊपर उठती हुई जाएगी, तो अपने आप ऑटोमेटिक बाएं हाथ महसूस होगा, और जब दाएं हाथ से चलेगी तो ये इसमें भी महसूस होगा। इसके दो ही लक्षण है पॉजिटिव एनर्जी, या तो ये हॉट आती है, गर्म आती है, या कूल, एकदम कोल्ड आती है, कूल होती है एकदम ठंडी, और या गर्म आती है। तो ये हम सिस्टम को खुद ठीक कर सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं है। और अब करते कैसे हैं वो हम बताना चाहते हैं, उसी तरह से परिवार के सभी लोग करें। और घर पे करने से ही ये 5-10 मिनट की क्रिया होती है, उसके करने से आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, और आपके जो शरीर के अंदर एक परमात्मा ने दवाई दी हुई है, रखी हुई है, उस दवाई को आप इस्तेमाल करेंगे 5 तत्वों से, और अपने शरीर की जो ये पॉजिटिव एनर्जी है इससे। और जब ये सिस्टम दोनों ठंडे शुरू हो जाएंगे, तो तीसरा सिस्टम जो हमारा सुषुम्ना नाड़ी का, ये चलेगा, और इस पर आकर के ये ऊपर आके यहाँ सर पे एकदम ठंडक देगी। और जब सर पे ठंडक आ जाएगी, तो आप देखिए पांचों तत्व आपको हमेशा एक दवाई का कार्य करेंगे, ये सुरक्षित रखेंगे। चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में हैं, कहीं पर भी हैं, तूफान है, भूकंप है, कोई भी चीज है, आपको वो डिवाइन पावर सुरक्षित रखेगी, आपकी आत्मा की शक्ति, आपकी रूह अपने आप करेगी। और इसको सभी संसार में 180 देशों में इनके शिष्य, परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी के शिष्य, इसको
डेली रोजाना करते हैं और पूरे संसार में आज भी ये सुरक्षित है, चाहे आप कहीं पर भी मालूम कर लें फोन करके। तो अब हम बताते हैं कि करेंगे कैसे। अब हम सभी दर्शकों को बताने जा रहे हैं कि इसको कैसे हम खुद घर बैठ करके परिवार के साथ कर सकते हैं, और जिसके पास में ये पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होगी, चाहे वो बच्चे पे हो या स्त्री पे हो या पुरुष पे हो, वो तो सुरक्षित है ही, लेकिन वो दूसरों को भी ये शक्ति से, अपनी शक्ति से दूसरों को भी सुरक्षित कर सकता है। तो दोनों हाथ ऐसे खोल लीजिए सबसे पहले, और अब हम पांच तत्व को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। धरती पे बैठे हैं, आकाश ऊपर है, पानी अंदर है, हवा चल रही है, अग्नि तत्व नहीं है। जब ये एनर्जी पावर ऊपर उठेगी तो जो भी हमारे शरीर में निगेटिविटी है, जिसको नकारात्मक ऊर्जा बोलते हैं, उसको ये जला देगी, समाप्त कर देगी। और जो पॉजिटिव है, जो हमारे शरीर के लिए एंटीबॉडीज अच्छे हैं, जो हमें को फायदा करते हैं, उनको बढ़ाएगी। दोनों हाथ ऐसे खोल के और चित तालू पे रख के या आकाश में रख के या धरती को प्रणाम भी कर सकते हैं, श्री माता के फोटो को प्रणाम कर सकते हैं, अगर फोटो नहीं है तो धरती माँ को भी हम प्रणाम कर सकते हैं मत्थे को टेक करके, और क्योंकि ये साकार रूप धरती माँ है और निराकार आकाश तत्व। तो अब हम बाएं नाड़ी को ठीक करने जा रहे हैं। तो पहले ये धरती पे रख के और आंख बंद करके और दिल से मांगना है, या मंत्र भी ले सकते हैं। और कौन सा मंत्र लेंगे, क्योंकि अब आदिशक्ति का अवतार है तो आदिशक्ति का ये मंत्र लिया जाएगा। पहले मंत्र कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई भी प्रधानमंत्री ने आता है तो उसकी बात मानी जाती है देश में। ऐसे ही जब अवतार आता है तो उसकी जो प्रणाली बताई हुई है पद्धति, उस पर चलना पड़ता है। तो यहाँ मंत्र ले सकते हैं, ओम त्वमेव साक्षात श्री धरती माता, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी नमो नमः। और यहां अपने हृदय से मांगे कि हे परमपिता परमात्मा, हे आदिशक्ति मां, जो आपका पृथ्वी तत्व है साकार रूप, उसमें हमारे बाएं तरफ के जो भी दोष है, विकार है, बुरी इच्छाएं हैं, कुसंस्कार हैं, इन सबको धरती मां में समा लीजिए। अब अगर हथेली पे ठंडा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आए, बाएं हथेली में ठंडा आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से ही वायरस, कोई भी वायरस, चाहे ये कोरोना हो चाहे भविष्य में कोई भी हो, वो तभी समाप्त होगा जब हमारे पाम पर, हाथ पर, हथेली पर ठंडा आएगा। तो अगर ठंडा नहीं आए 5-7 मिनट में, तो हम मोमबत्ती का इस्तेमाल करते हैं, जो अभी आप देख रहे हैं, मोमबत्ती जला के, और ये हमने सामने रख ली है, कपड़े से बचा के रखेंगे, और एक मोमबत्ती हमने ये पीछे रखी है, और अब मोमबत्ती के सामने हाथ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी निगेटिव जो वायरस है ये भूतकाल से आता है। भूतकाल की चीजें जब हमारे शरीर में ज्यादा आती हैं, या भूतकाल की बातें ज्यादा सुनते हैं, या किसी कुगुरु के पास चले जाते हैं, ताबीज और डंडा लेते हैं, उससे भी ऐसे लोगों को वायरस ज्यादा परेशान करता है। जो ऐसे गलत लोगों के पास नहीं जाते, उनको वायरस नहीं होता है। तो इस तरह से पूरे हृदय से कह दीजिए कि परमात्मा या खुदा, मेरे बाएं हाथ में जो भी परेशानी है, किसी भी तरह की आसुरी शक्ति मेरे शरीर में आ गई है, नकारात्मक ऊर्जा मेरे शरीर में ज्यादा है, उसको अग्नि तत्व से भस्म कर दीजिए। जो हमारी कैंडल जल रहा है, देख रहे हैं कैंडल कैसे चल रहा है, तो ये अपने आप सूर्य का काम कर रहा है। सूर्य की धूप की हमें इतनी जरूरत नहीं है। अब अगर सूर्य नहीं भी निकलता है तो ये मोमबत्ती से काम हो रहा है। और हृदय से मांगिए, जैसे ही बाएं हाथ में ठंडा आना शुरू हो जाए तो समझिए कि अब हमको कोरोना वायरस लग नहीं सकता, और जिस इंसान को लगा है उसको भी आप इसी तरह से ठीक कर सकते हैं, उसका कोरोना वायरस दूसरे को नहीं लगेगा, क्योंकि ये मोमबत्ती जल रही है, ये अग्नि तत्व है, ये आने नहीं देगा आपकी तरफ उस वायरस को। मास्क लगा के आप दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं।
और इससे इम्यूनिटी जो है वो ज्यादा बढ़ती है शरीर के अंदर अपने आप। कुछ भी दवाई की जरूरत नहीं है, अंदर पूरी दवाई है। जब इसमें ठंडा आए तो फिर इस हाथ को ऊपर ले जाएंगे और दाहिने हाथ को सामने कर लेंगे और यहां पे 2 मिनट के लिए फिर दिल से कहेंगे कि हे भगवान, अल्लाह ताला, वाहेगुरु, जो आपका निराकार रूप आकाश तत्व है उसमें हमारे दाएं तरफ के जितने भी दोष हैं, गर्मी है, गुस्सा है, कोई भी राइट साइड का फीवर है दाएं तरफ का, इन सबको अपने निराकार रूप से ठीक कर दीजिए। और यहां मंत्र ले सकते हैं आकाश तत्व। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आकाश तत्व साक्षात् श्री आदिशक्ति नमो नमः। इस मंत्र को आप 2 मिनट लें, 5 मिनट लें, लेकिन दिल से लें। जैसे आप दिल से लेंगे, मैं दोबारा ले रहा हूं, ओम त्वमेव साक्षात् श्री आकाश तत्व साक्षात् श्री आदिशक्ति नमो नमः। आदिशक्ति जो आपके अंदर निराकार रूप में, आकाश निराकार। तो जब आपके इस मंत्र को लेकर, अगर मंत्र नहीं भी लेना आता, नहीं भी ले सकते, तो दिल से कह दीजिए कि मेरे दाएं भाग को परमात्मा अल्लाह ताला अपने निराकार रूप से शुद्ध पाक कर दीजिए और मुझे शांति दीजिए, मेरे अंदर शांति स्थापित कीजिए, चंद्रमा के गुण दीजिए, हिमालय के गुण दीजिए। जब दाएं हाथ पे ठंडा आने लगे तो समझिए कि आकाश तत्व आपके साथ कार्य कर रहा है, ये पहचान है। मैंने 5 तत्व के गुण बताए आप, तो 5 तत्वों को गुण आपके अंदर आने शुरू हो गए हैं। अब दोनों हाथ हम सामने कर लेंगे और इस अवस्था में चित तालु पे रहेगा या आकाश में, नीचे किसी भी आकृति पे नहीं रहेगा, केवल निराकार में रहेगा। और यहां पे दिल से कहिए कि परमात्मा अल्लाह ताला, आपका प्रेम मेरे सर से निकले, मेरे सहस्त्रार से निकले, मेरे जिहाद से निकले। जिहाद कहते हैं जन्नत में पहुंचना, जिहाद किसी को मारना नहीं है। जब ये रूहानी ऊपर आएगी देवी शक्ति, तो यहां से ठंडा आएगा, मुसलमान को भी आएगा, हिंदू को भी आएगा, सिख को भी आएगा और ईसाई को भी आएगा, अपने आप आएगा। जब ठंडा आए तो हम लिख करके दे सकते हैं कि उसको वायरस नहीं लग सकता और उसके शरीर में कभी लंबी बीमारी हो नहीं सकती। अब इस हाथ को सामने करके इससे भी देख सकते हैं, अपने को चेक कर रहे हैं खुद। ये आत्मा का प्रकाश जब शुरू हो जाता है तो आप इस आत्मा की शक्ति से व्यापार को ठीक कर सकते हैं, परिवार को ठीक कर सकते हैं, घर के कलेश को ठीक कर सकते हैं और बच्चों की पढ़ाई इसी से बहुत अच्छी होती है। जिस बच्चे को ये ठंडा आता है सर पे, हाथों पे, पैरों में, वो बच्चा हमेशा टैलेंटेड होगा और कंपटीशन में ही जाएगा। अब दोनों हाथ सामने इस तरह से करके, और इस अवस्था में आप 10 मिनट बैठे या 5 बैठे हो आपकी मर्जी है, जितना आपके अंदर ये बढ़ता जाए उतना ही आपके अंदर किसी भी तरह का वायरस नहीं होगा और लाइलाज बीमारी जिसका जिसको असाध्य रोग बोलते हैं, अगर वो भी कोई है तो उसको भी आप घर पर 1 महीने में ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हाथों से ठंडा आता है सर से, तब अगर किसी बच्चे को भी आता है तो वो भी आपकी हेल्प कर सकता है, आपके पास बैठ के हंस के बातचीत करके वो भी आपको ठीक कर सकता है। तो ये हमने जो क्रिया बताई है ये सभी लोगों ने अपने घर पे बैठ के टीवी चैनल को देखते हुए करें तो उसी से आपको फायदा होगा और आप कोरोना से बिल्कुल नहीं घबराएं, आप बिल्कुल घर पर सुरक्षित रहेंगे, बाहर भी सुरक्षित रहेंगे
और जब मास्क लगा के जाएंगे तो वो तो खैर ठीक है, जो गवर्नमेंट हमारी बता रही है उसको मानना चाहिए, लेकिन अगर ये हाथ पे ठंडा आता है और सर पे, तो आपको कोरोना वायरस का कैसा ही मरीज भी रास्ते में मिलेगा वो आपकी तरफ टच नहीं करेगा, वो कोरोना वायरस फुल भी आपके पास नहीं आ सकता, क्योंकि ब्रह्म शक्ति आपके हाथों से रूहानी जो रूह है हाथों से बह रही है। तो ये आज की क्रिया बताई है और इसको सभी लोग टीवी चैनल पर जो भी दिखाया जा रहा है इसको देख के करिए और ऐसे ही मोमबत्ती चलाइए। ये जब जलानी है जब इस हाथ में ठंडा नहीं आए, अगर शुरू में ठंडा आ जाए बिना जलाए तो फिर जरूरत भी नहीं है, ये नहीं है कि जरूरी है, ये केवल जब जलानी है जब आपको ये क्रिया करने के बाद ठंडा नहीं आता है, और ठंडा शुरू में ही आ जाए बिना मोमबत्ती के तो इस क्रिया को नहीं जलाना है। तो ये क्रिया हमने आपको बताई है, इस तरह से आप सभी लोग करें तो परिवार देश और संसार सुरक्षित हो जाएगा। सभी को हमारा नमस्कार। अब हम सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जो हम जल क्रिया करते हैं उसे कैसे करते हैं और इस जल क्रिया को सभी लोग कर सकते हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे माँ बहन हो, कोई भी कर सकते हैं। तो ये पानी है बाल्टी में, ये इतना लिया है जितना ये टकना देख जाए, इतना, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं, बस इतना लीजिए और उसमें एक दो चम्मच या एक मुट्ठी अंदाजे से ये नमक डाल देते हैं, ये आप देख रहे हैं ये इस तरह से, और ये ऐसे डाल दिया। ये समुद्र तत्व होता है क्योंकि ये खारा पानी हो जाता है, तो समुद्र ऐसा है जो पूरी गंदगी को अपने अंदर खींचता है, तो ये समुद्र का पानी बन गया। अब इसमें हमने दोनों पैर डाल दिए हैं और ये एक मग्गे में हमने पानी रख लिया है साफ, इसलिए कि जब हम खत्म क्रिया होगी तो हम पैर धोएंगे इसे साफ पानी से, ये साफ पानी है। तो अब हम यहाँ पे एक मंत्र लेंगे और तीन मंत्र चार लेंगे, उनमें सभी करीब करीब हमारे आदि गुरु का मंत्र आएगा। तो पहला मंत्र है गणेश का, ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दूसरा हजरत लिसा, ओम त्वमेव साक्षात श्री हजरत अली साहब साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। इससे शुगर की बीमारी जो है वो कंट्रोल होती है। तीसरे पे हम गुरु नानक देव जी का लेंगे जो आदि गुरु दत्तात्रेय के ही अवतार थे, ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि गुरु दत्तात्रेय साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। इससे कैसी भी पेट की तकलीफ हो वो अपने आप इस पानी में निकल जाएगी। अब हम जीसस क्राइस्ट का मंत्र लेंगे जो हमारे आज्ञा पे है और ये क्षमा की शक्ति देते हैं, ये गुण हमारे अंदर इनके जैसे ही मंत्र लेते हैं या इबादत करते हैं तो अंदर आते हैं। तो यहां मंत्र लेंगे, ओम त्वमेव साक्षात श्री जीसस मैरी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जैसी आप जीसस मैरी का मंत्र लेते हैं जीसस क्राइस्ट का, तो अंदर हमारे क्षमा की शक्ति आती, गुस्सा शांत होता है और कैसी भी मानसिक रोग हो किसी भी तरह का वो अपने आप ठीक होता जाएगा। हम लास्ट में परम ब्रह्म परमात्मा का अल्लाह का मंत्र लेंगे जो साकार से निराकार में ले जाता है, ओम त्वमेव साक्षात श्री साकार निराकार साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अगर किसी को कोई भी मंत्र लेना नहीं आता तो केवल वो इबादत करे, पहले पर हृदय से गणेश जी से इबादत करें, पवित्रता अबोधिता दीजिए, दूसरे पे हजरत अली साहब से इबादत करें कि हमें निराकार की तरफ ले जाइए, और तीसरे पे गुरु नानक देव जी से विनती करें कि हमें गुरु पद दीजिए जिससे हम स्वयं को पहचाने और सदगुरु बने, और चौथे पे हम क्षमा मांगेंगे
कि हमको जीसस क्राइस्ट का गुण दीजिए, परमात्मा अल्लाह ताला, जिससे हम सबको क्षमा कर सके और प्रेम कर सके। और ऊपर टॉप पे जाके जहां हमने बोला है जन्नत होती है, क्योंकि ये जो तालु होता है हमारा जन्नत होता है, जन्नत मीन्स मोक्ष, कि यहां से हम उस खुदा से परमात्मा से मिलते हैं। जब ये पॉजिटिविटी यहां आ जाती है तो एक ठंडा हर समय रहता है और वो परमात्मा को हमें जोड़े रखता है, परमात्मा से योग रहता है। इसी को योग बोलते हैं। योग जो हम करते हैं आसन या व्यायाम, ये योग नहीं है, ये तो क्रियाएं हैं। योग केवल अंदर से होता है। जब ये योग हो जाएगा तब आप परमात्मा से हर समय जुड़े रहेंगे और परमात्मा आपकी, वो खुदा जो है अल्लाह ताला देख रेख करेगा। तो यहाँ पे हम केवल इबादत इस तरह से करें कि हमें अपने संस्कार अपने गुण दीजिए, ये हृदय पे हाथ रख के और दिल से मांगे कि हम हृदय से विनती करते हैं, इबादत करते हैं, भगवान अल्लाह ताला वाहेगुरु हमें अपने गुणों से ओतप्रोत कर दीजिए, हमारे अंदर तेरे ही संस्कार, तेरे ही गुण और तेरी ही इच्छाएं हमेशा जागृत हो जाए, हमेशा हम आपके बारे में सोचें और आप पूरे संसार की रक्षा कीजिए और इस कोरोना वायरस से सभी की रक्षा कीजिए, जिससे पूरा संसार सुखी हो जाए। ये हृदय से विनती करेंगे और ये 5 या 10 मिनट क्रिया करनी है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये शरीर जो है हल्का हो जाएगा। और ये क्रिया दिन में 2 बार भी कर सकते हैं और हाथ खोल के देख सकते हैं कि हाथों पे ठंडा आ रहा है, मेरा शरीर हल्का हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हल्का हुआ है तो पॉजिटिविटी बढ़ गई है और आपके अंग अंग से ही निकलेगी, रोम रोम से बहती है। तो जब ये पूरी हो जाए तो ये पानी जो है इसमें एक बार अपने शरीर के ऊपर, क्योंकि ये पॉजिटिविटी हाथों से जो बह रही है रूह, इसको अपने शरीर पर घुमाना है कुएं पर इस तरह से, और विनती करनी है कि अल्लाह ताला परमात्मा आदिशक्ति मां, जो भी हमारे शरीर में नापाक चीज है, गंदगी है, वो सब इस पानी में निकल जाए और हमें पॉजिटिविटी सकारात्मक ऊर्जा से रोम रोम से खुश कर दीजिए। इस तरह से ये 3 बार अपने शरीर को ऐसे हाथ घुमाते हुए ले जाना है और इससे जो भी शरीर में गंध होगा वो पानी में निकल जाएगा। और उसके बाद बस ऐसे परमात्मा को साकार निराकार में प्रणाम करके, और जो पानी रखा है मग, अब हम इससे पानी से निकाल रहे हैं। और देखिए अभी हाथ नहीं लगाया हमने पैर को, ये क्योंकि पैर गंदा हो गया ना, पानी गंदा है, नीचे गंदगी निकल गई है, जो नपाक चीज थी वो सब निकल गई है, जो अशुद्ध थी वो निकल गई है। और आप इस पैर को बिना हाथ लगाए धो रहे हैं इस तरह से धो के, और इस पानी को अब हम संडास में डाल देंगे खुद जाकर के, जो लैट्रिन होती है उसमें डाल देंगे, गंदी नाली में भी डाल सकते हैं या किसी पेड़ में नहीं डाल के गड्ढे में डाल सकते हैं। तो ये हम पानी ले जा रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद। आज हम सभी दर्शकों का, जो आपने ये हमारा टीवी चैनल देखा है, उसके लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी आप ये क्रिया करें परिवार के साथ करें, जिससे हमारी माँ बहनों के हाथ पे जब ये चीज आ जाएगी तो उनके खाने से 70% बीमारियां भी समाप्त होंगी, बच्चों के आएगी, उनकी पढ़ाई अच्छी होगी, और व्यापारी और जो सर्विस करते हैं उनके हाथों पे ही आएगी तो उनका व्यापार अच्छा चलेगा। और अनुशासन जो ऑफिस में प्रशासन चलता है अपने ऑफिस में, वो बहुत सुचारू चलेगा, उसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं आ सकती है। और घर का कलेश भी ये जो दूर होगा, जो भी परेशानी घर में रहती है आजकल बच्चों में देखा है ज्यादातर, तो ये पॉजिटिव एनर्जी आपको हर जगह फायदा करेगी, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह करेगी। ये जो डिफेंस में लोग हैं मोर्चे पे हमारे बॉर्डर पे, उनको भी फायदा करती है। तो इसको आप सभी लोग करें, और मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार, भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी अगर इस पद्धति को मीडिया के द्वारा जन जन तक पहुंचा देंगे तो हो सकता है कि जो हमें कोरोना वायरस की वजह से 20 दिन 40 दिन या 30 दिन बंद करना पड़ा, ये भविष्य में हमें अपने देश को बंद नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जब सभी जगह पॉजिटिविटी फैल जाएगी तो नकारात्मक आसुरी शक्ति सब समाप्त हो जाएगी और उससे हमारा परिवार देश अच्छा हो जाएगा और उन्नति की तरफ बढ़ता जाएगा। धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।